चलिए आज का हम मौजू शुरू करते हैं, और मौजू ये है कि जब हम अपने जिस्म की रगों की बात करते हैं, न जाने कितनी ऐसी रगें हैं हमारे जिस्म की जो अलग अलग तरीके से काम करती है, लेकिन रगों में जब दिक्कत आने लगती है, कई बार हकीम साहब ही बताते हैं कि चर्बी जम जाना या ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना, न जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो रगों के अंदर भी पेश आती हैं, तो इस तरह की जब दिक्कत आप महसूस करते हैं, मसलन पैरों की हम बात करें, हाथों की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ जाती हैं, आखिर वजह क्या है? तो वो वजूहात जो हैं वो हम जानेंगे आज हकीम साहब से। आइए देखते हैं। जी, गालिब ने कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना टपके वो लहू क्या है। देखिए, इंसान के जिस्म में रगे ही रगे हैं जी। और सबसे ज़्यादा रगे हैं हमारे दिमाग में, और दो ज़रूरी उजू हैं हमारे जिस्म में, एक दिमाग और एक दिल। दिल की रगों में क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग क्या, नालियां हैं दिल की, वो चर्बी से भर जाती हैं, जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। और दिमाग की रग में जब किसी नर्व में चर्बी जम जाती है तो उससे फालिज वगैरह होता है। रगों की दूसरी बीमारियां ये हैं कि रगों में फ्लेक्सिबिलिटी, जो लोच होता है, वो कम हो जाता है, सुकड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं। तो इन सब बीमारियों से आदमी निजात भी पा सकता है, हार्ट ब्लॉकेज से, ब्रेन हेमरेज से, ब्रेन की ब्लॉकिंग से, या रगों के सूखने से, सुकड़ने से। देखिए, सिर्फ अगर रगें सुकड़ रही हैं तो उसका इलाज अलग है, सूख रही हैं या सुकड़ रही है उनका इलाज अलग है। और रगें अगर चर्बी से भर गई हैं उसका इलाज अलग है। जिसका जो इलाज हो वो कर सकते हैं। रगें सूख रही हैं तो अलसी, अखरोट या मछली अच्छी गिज़ाएँ हैं। अगर इन्हें अच्छी तरह लिया जाए तो रगों का सूखना या सुकड़ना को ये रोक सकती है। अगर अगर आपको ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज के लिए, हार्ट ब्लॉकेज है या दिमाग में क्लॉटिंग्स है, तो उसके लिए आप जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा पानी में मिला कर लें, और 3-3 चम्मच ज़्यादा ले सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। इससे हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, और हर 40 साल के बाद तो ये इस्तेमाल करना चाहिए इंसानों को, ताकि ये बीमारियाँ ना हो, और हैं तब भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मजीद मर्ज़ पर काबू पाया जा सके। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।